हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी बनाए गए डॉक्यूमेंट को फ्रेंड्स पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे, वो भी एकदम इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखिए अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब इसमें हम अगर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को बना के पीडीएफ में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए, उसको हम एमएस एक्सेल के अंदर ओपन कर लेते हैं एंड देन आपको उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना सिंपली बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर देखिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वो की को प्रेस करना होगा एंड देन हमें अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए एमएस वर्ड के सॉरी एक्सेल के अंदर देखिए बनाए गए डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सिंपली ऑफिस बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पर सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पीडीएफ का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद में आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना लोकेशन सेलेक्ट करना होगा कि हमें इसको कहाँ पर सेव करना है एंड देन हम यहाँ पर पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो ये डॉक्यूमेंट था वो देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप एमएस एक्सेल के अंदर बनाए गए किसी भी डॉक्यूमेंट को सिंपली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो सिंपली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसे और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स हमारे द्वारा अपलोड किए गए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।